अभी मैं हूँ सरिता मेश्राम कुलकर्णी मैडम के साथ। ये बार की जूनियर मेंबर में से है, 2 बरस इनके प्रैक्टिस को हुए हैं। तो मैडम जी से हम सुनना चाहेंगे कि जो बार के आज के जो जूनियर्स हैं, उनको उनकी क्या फीलिंग्स है, उनको कैसे लगता है यहाँ पे। तो मैडम आप ज़रा बताइए हमको जूनियर मेंबर की तरफ से। जी सर, मुझे इस बार में अभी 2 साल हुए हैं। जैसे कि हम लॉ पढ़ते हैं, और लॉ पढ़ना और उसमें प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जब मैं इस बार में आई तब मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ के जो माहौल है हमारे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट बार का, जो सीनियर्स मुझे मिले वो बहुत मुझे हेल्पफुल रहे, मुझे बहुत सहयोग मिला। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी मेरी जो कठिनाइयाँ हैं वो थोड़ी समाप्त होती गई, मुझे बहुत सहयोग मिला। और जैसे कि एक महिला को कहीं भी इस प्रोफेशन में जाना, थोड़ा ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार में मुझे ऐसा माहौल मिला कि महिलाओं को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब आप यहाँ पे आके आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होती चली गई। जी, मतलब जो एक इनिशियल टेंशन था आपके इसमें, वो धीरे धीरे से आप टेंशन निकलने गया। जी, और मतलब बहुत अच्छा माहौल है जूनियरों के प्रति यहाँ के सीनियरों का। पूरा सीनियर्स जो है वो बहुत हेल्पफुल है और पूरी हेल्प करते हैं। ओके, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता था। मैंने गढ़चिरौली कोर्ट विजिट किया, वहाँ पे एक जूनियर फोरम करके एक फोरम है, तो जो जूनियर लोग चलाते हैं, तो इस तरह का कोई आपके पास कोई फोरम है आज के दिन में? जी नहीं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मैडम कि आप भी जूनियर हो, आपके साथ के जो जूनियर्स हैं वो सब लोग मिलके इस तरह का आप एक फोरम बनाइए, क्योंकि इस तरह का अगर आप फोरम बनाएंगी तो बहुत सारा नॉलेज आपको एक्सचेंज होगा। आपके पास अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं, कभी उनको बोलिए कि सर कभी एक कोई सैटरडे को बैठ के हमको एक सेक्शन पे हमको एक थोड़ा ज्ञान दीजिए, तो डिस्कस करिए। तो आप भी जूनियर फोरम बनाइए, और यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए। और आप यहाँ आई और आपने टाइम दिया, बहुत धन्यवाद।